तो जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हो रही है यहाँ पे इस वाले उसकी सफाई। कितने दिन हो गए थे मेरे को? तो 10 दिन हो गए जो मैं ठीक ही नहीं थी। तो आज मैं मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, तो मैंने मेथी निकाली और जो पत्ते वगैरह थे आपको सुबह दिखा दिए थे। फिर यहाँ पे सारी साफ़ सफाई हो रही है, आपने देखना, लास्ट में देखना और अभी भी देखना क्या हालत है यहाँ पे। वो लकड़ी वाला सारा सामान पड़ा हुआ था, है ना। अभी मिस्त्री आएंगे 2-4 दिनों में, तो फिर एकदम से फिर से सफाई तो चाहिए। यहाँ पे लपाई करेंगे, प्लस्तर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे चूड़ियाँ जैसी थी मैं इनको उठा रही थी, और ये देखो यहाँ पे फिर जो लोहे के थे ना औजार वगैरह सारे बाहर पड़े हुए थे। बस इनको यही होता है मेरे घर वालों को कि जो चीज़ जहाँ पे ना उसको उठाएंगे नहीं। मेरे को इस चीज़ का ना बहुत गुस्सा आता है, सच्ची बोल रही हूँ। जो जो जहाँ पे ना वो वहीं पे रहेगा, वहाँ से उठाएगा नहीं कोई, यानी कि पापा जो उठा देते हैं, बाकी बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। तो सारी चीज़ें छोटी मोटी थी मैं इस बाल्टी में डाल रही थी, और जो बड़े बड़े लोहे के तो एक कोने में कर रही थी अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लपाई नहीं होगी जहाँ पे मैं उनको चीज़ों को रख रही थी। मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, और फिर दिन को यहाँ मेरे को रेस्ट करने को भी बढ़िया रहेगा, है ना। और चलिए यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं वैसे, ये देखो मेरे को खुद नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिखेगा। लेकिन ये जो यहाँ पे लकड़ी जैसी थी ना, इसको उठा रही थी मैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ थी ना, मैं कह चलो खिड़की खोल देते हैं एक। तो फटाफट से सारा सामान उस वाले कोने में मैंने इकट्ठा कर दिया था जो पार वाला कोना है। और ये वाकई में अगर यहाँ पे नीचे रसोई होती ना तो बड़ा मज़ा आता, पर मेरी गायें ना बहुत आराम से रहेंगी, सच में कसम से। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की, मेरी जो गईयाँ ना परे भी आराम से थी, यहाँ पे ना और ज़्यादा खुला खुला हो जाएगा उनके लिए। जब से परली वाली काउ शेड में ना कमरे बने, आगे कमरे बन गए, ऊपर कमरे बन गए, तो उनके लिए थोड़ा दबू मतलब अंदर जैसे हो गया था, अब उनको खुला खुला रहेगा यहाँ पर, है ना। जाली लगा देंगे हम और बढ़िया से ना बाहर से जाली फिक्स करवा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे बुरे हाल थे, भाई पूछो ही मत, आप बहुत बुरे हाल थे। फिर जो अब खुरलियों से खुद उठाएंगे सामान जिस दिन लपाई करेंगे ना, मैंने खुरली में भी कर दिया सारा इकट्ठा। मेरे को बहुत जल्दी है कि मेरी गाय ना यहाँ पे आराम से, परे भी आराम से, यहाँ पे भी आराम से रहेंगी, और हम पूजा जैसे करवाएंगे थोड़ी। पता है जब तक हमारी गाय इधर नहीं आएंगी ना, तब तक हमारे परले वाले कमरे में जो 2 कमरे हमने तैयार करने हैं ना, उनकी कंडीशन सही नहीं हो पाएगी, मतलब उनको तैयार नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ पे पूजा हवन भी करवाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना खुद काम करते रहेंगे वहाँ पर, और फिर लास्ट में मिस्त्री को बुलवाएंगे जो तोड़ने को होगा खुरली वगैरह, वो भी टूटनी है ना पुरानी की। तो इसलिए जो मेरे को जल्दी है कि यहाँ पे हमारी पशु आ जाते हैं, हमारी गाय गैया माता, तो वहाँ पे हमारे को इजी हो जाएगा फिर काम करने का, हम आराम आराम से करते रहेंगे वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए बस एक दो दो के हफ्तों में मुझे लग रहा है कि हमारी गई यहाँ पे आ जाएंगी, और बस थोड़ा बहुत हवन करवा के। तो देखो इतना सारा कूड़ा निकला, मैं आपको ना बाद में दिखाऊंगी सारा, कितना बढ़िया हो रखा था ना। और यहाँ पे चलिए फिर फटाफट से अंदर से मैंने निकाल दिया सब कुछ, अब बाहर की सफाई हो रही थी। तो ये मेरे को झाड़ू ना नहीं लगाया जाता मेरे से, पर जब मेरे को दिखता है ना कि कोई नहीं कर रहा है, अब मेरे को ही करना पड़ेगा, तो फिर उठाना ही पड़ता है, झाड़ू लगाना ही पड़ता है ना। और जब मैं ठीक होती हूँ फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, फिर मैं चल रहती हूँ आराम से, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, एक बार में नहीं मेरे से काम होता। और यहाँ पे ना मेरे मतलब मैंने ये बांधा हुआ था नाक के ऊपर भी, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा थी ना, और मेरे इन जगहों पे बहुत दर्द हो जाती है, तो मैंने ये उतारा और टोपी भी उतारी। मेरे को गर्मी भी लग रही थी वैसे, फिर नंगे सिर भी झाड़ू नहीं लगाते ना, तो इसको मैं अब बांध देती हूँ बालों में। मैं पता है वीडियो भी शूट कर रही थी, साथ साथ में अपनी देवरानी से भी बातें कर रही थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अभी, ये हुई हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई यहाँ की, देखो कितनी बढ़िया हो गई है ना। ये सामान यहीं पे रहेगा, खुरली का पार्ले वाली साइड नहीं होगी लपाई। तो यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड में लेके आई थी, अपनी टोपी उठा लेती हूँ और चारों साइड आपको दिखा दिया मैं। कैसी लगी आपको नई काउ शेड की सफाई और तैयारी हो रही है यहाँ पे गायों को आने की? तो ये देखो है ना, हो गया ना बढ़िया, कितने अच्छा लगता है ना खुद को भी साफ सुथरी चीज़ कोई भी है।
ये देखो, मैं नहा गई हूँ और मैं यहाँ पे टॉवल देख रही थी, एक तो मैंने भिगो दिया, बस एक सूट अपना जो पहना हुआ था वो ही, बाकी और कुछ नहीं धोऊंगी क्योंकि मैं अभी ताज़ा ताज़ा बीमार हुई थी ना, तो ताज़ा ताज़ा गला फिर से खराब हो जाता है मेरा। हमने तूड़ी मंगवाई है, नई जैसी पैकिंग है, कैसी पैकिंग है समझ नहीं आ रहा। ये लो ये लिख रहा सारा, तो इसमें पूरा हिसाब है तूड़ी का, क्योंकि हम खुद नहीं गए थे ना, पर वो जिससे मंगवाई तो बहुत ईमानदार लड़का है और हम उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं मतलब। तो उसने दे दी थी कि भाई भाभी ये लो पर्ची, इतना लगा और जो भी था, है ना। तो ये है कितने कितने किलो के। अब ये नई पिछली बार आप लोगों ने देखी थी ना, ये लो। तो ये मंगवाई पूरी दिख रही है आप लोगों को, तो ये मंगवाई थी हमने तूड़ी, गायों के लिए चारा हो गया, क्योंकि आगे शादियां है ना, 4 दिनों का प्रोग्राम है हमारे गांव में, तो ऐसा होता है ना, ये तो काम पे जाएंगे अकेले, मैं ला नहीं सकती, थोड़े बहुत पूड़े आएंगे तो फिर अपने, और घास मेरा खत्म हो गया जो स्टोर किया था, पर ये कुछ नई पैकिंग है। कितने कितने किलो की होगी ना ये, तो हल्की हल्की है मतलब, पिछली बार थी ना वो 40 से अप थी, कई तो 50 से अप भी थे। ये नई पैकिंग आई बोरियों में, सर बढ़िया है, अच्छी है। इस पता क्या है, जो इसकी सियारी वगैरह होती है ना वो भी नहीं बैठेगी अपने ऊपर, है ना, उतारने चढ़ाने को इजी है, एक बंदा आसानी से लोड कर सकता है, उतार सकता है कहीं भी, है ना। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए शायद इस तरह की पैकिंग की गई है ना ऊपर, तो इसलिए जो है, तो इसलिए मैंने ये अभी फिलहाल ये पुरानी है इसलिए मैंने कम मंगवाई, अभी आगे नई तूड़ी आई क्योंकि पंजाब में कटाई शुरू हो गई है, तो हम नई या यही हमारे को लोकल मिल जाती है कहीं, तो और भी ज्यादा फायदा होगा, पता करेंगे हम। तो हमने सिर्फ 4 दिनों को ध्यान में रखते हुए तूड़ी मंगवाई है कि फिर हमें शादी को आराम से जा सकते हैं जब घास होगा पशु के लिए, ठीक है। हरा ले आया वो, इसके बीच में पर दिया ऊपर डाल के, चलो के बाद एकदम गला जैसा बैठ गया, तो मैं धूप में आ गए, ऊपर बहुत हवा है, ऊपर नहीं खड़े हो सकते, तो मैं सोच रही हूँ कि बाल भी सुखा दूँ, है ना। अब मैं तौलिए छट रो बदे इसी आने ना बोरी जाना के। तो आज मैंने अपने ये वाला आंगन भी साफ कर दिया, यहाँ पे बचा है बचता है कुछ, यहाँ पे हम काम करवाएंगे ना फिर यहीं पे होगा सारा जो भी होगा। भाई ये वजह से दर्द उठ रही है पीछे पीठ में, ओए। और इसके साथ का जो था ना प्लाजो वो गल चुका है, मैं सोच रही हूँ आज मुंगरू ताड़ू, मेरे बाल कुछ लंबे हो गए ना, इस बार लंबे हुए, इतने ही थे पहले भी, अब कौन से बड़े हो गए। अपना ही तंबा छेड़ दो नहीं पापा, अरे से तो मैं मान दीता ना एक अपना ही तंबा छेड़ दो, ये वो नीचे रुए इतने इतने से क्या होना। गाड़ी में होगा, कल मैंने यहाँ पे भी सफाई करी और इन्होंने आज फिर से यहाँ पे फेंक दिया कुछ, ये सारा यहाँ देखो, ये बोतल जूस पी के यहाँ को फेंकते हैं, यहाँ पता नहीं कौन आएगा साफ सफाई करने। मेरे को मैं हर बार इनको बोलती हूँ कि थोड़ा अपने हाथों को ना कंट्रोल में करके एक ही जगह इकट्ठा करके फिर जलाया करो। हाँ देनी है इसके देव छाड़ दो किनारे दूध और रोटी मेरा के। यहाँ पे तो बढ़िया देखो सफाई करी है इन्होंने, सारी हो जाऊंगी मैं पार ना, कहीं भागवत लगा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पारली साइड ना कहीं भागवत लगा हुआ है, आवाज आ रही है। अभी बज गए 2:25 हो गए, मैंने ये देखो यहाँ पे कपड़े भी धो दिए अपने और धट हो रहा, और अभी मैं करूंगी रेस्ट थोड़ी देर, धूप अच्छी खासी धूप पड़ी और ये रहा हनी यहाँ पे। हनी हेलो गाइज, हेलो गाइज, किस करनी मेरे, हाँ ये भी फिसलो है। तो अभी यहाँ पे बड़ा मंजा लगा हुआ है, अभी तो मैं यहाँ पे सोऊंगी, पर मैं जब थोड़ी देर बाद मेरे को ज्यादा दिक्कत तो धूप आ जाती है यहाँ पे ना, यहाँ पे सोया नहीं जाता, वैसे तो हवा चल रहती है बढ़िया, फिर मैं परे न्यू काउ शेड में अपना ट्रांसफर होंगी मंजा जो नीचे है मंजा, तो भाई मैं अपने लिए तो वो घर वहाँ पे कर दिया मैंने शिफ्ट, तो वहाँ पे अपने मंजा लेके वहाँ पे दरवाजा दिया, जब तक तो गाय नहीं है आराम से सोए, यहाँ तो कभी ये एक खट पट कभी ये उठाता है कभी वो उठाता है, तो वहाँ पे अपने कोई नहीं उठाएगा, आराम से सोते रहे। और अन्नी के पापा जा रहे हैं आज कहीं घूमने,
बहुत दिनों बाद चल जा रहे हैं कहीं घूमने, तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर बाद। और देख लो ना ना थोड़ा आदत पानी हो आप कहीं अभी, तो ये जा रहे हैं और पानी पी लेती हूँ। बाल मैंने ना कपड़े धोए थे, मैंने बांध दिए थे खुले खुले बालों से हमारे कपड़े नहीं धोते, हमारे ऐसा होता है। पानी है ये, कोक नहीं वो नहीं है, ड्यू नहीं है इसमें। और कल मंदिर के बाद जा रहे हैं। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ। मैं इस बार बड़ा खुश हो रही थी, मैंने कहा हर बार मेरा गला ही बैठा रहता था, इस बार मेरा गला बड़ा अच्छा है और मैं बहुत सारे भजन गाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी मैं बैठी हूँ धूप में, ये बाल बाल सूख गए, आज मेरे को नींद ही नहीं आई, आज मैं सोई नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, दुपट्टा उठा रही थी, एक्चुअली हुआ क्या कि ज्वाला जी से ना सविता दीदी का फ़ोन आ गया था। वो सविता दीदी जो कि पिछले 3 सालों से वेट कर रही थी, और उन्होंने पिछले 3 सालों से अपना नंबर जो इंस्टाग्राम पे देके रखा था, कई बार नाराज़ भी हुए, कई बार गुस्से में भी कमेंट करते थे, तो नवरात्रों में माता रानी ने मिला दिया और बहुत खुशी हुई सविता दीदी से बात करके। आप लोगों को पता ही है कि काम इतना ज़्यादा होता है और फिर मतलब नहीं लगता टाइम बात करने को, तो बड़ी खुशी हुई मेरे को। थैंक यू सो मच सविता दीदी, बहुत अच्छे हैं और वो भी हमेशा वीडियो देखते हैं रेगुलर। तो यहाँ पे मैं पता क्या कर रही हूँ, घी शक्कर खा रही हूँ, मैंने किया, 3:55 हो गए हैं और मेरे को लगी थोड़ी थोड़ी भूख, मैंने सोचा अब क्या खाऊँ, फिर मेरा मैंने सोचा एक खा देती हूँ, मेरा मन कर रहा है घी शक्कर। हालांकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोलेस्ट्रॉल हो तो हो भाई, अब तो खाना है, बिल्कुल कम लिया मैंने घी और मैं खा लेती हूँ। किस किस को खाना है जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, किस किस के फेवरेट है घी शक्कर और चावल। वाह, मजा आ गया। तो यहाँ पे हो रही है तैयारी शादी के लिए, सूट कर रही हूँ, ये थोड़े टाइट हो गए हैं मेरे को, तो इनको मैं खुले कर रही हूँ। अच्छा गर्दन नहीं मैं झुका सकती, बड़ा मुश्किल होता है मेरे को ये सुई वाला काम करना, पर धीरे धीरे मैं कोई नए कपड़े नहीं लेती, एक मैंने सिलाने को छोड़ा है सूट जो मेरे को वो दीदी दे गए थे, बिना दीदी चंडीगढ़ से आए थे, वो छोड़ दिया मैंने सिलाने के लिए। ये देखो मेरे लिए क्या ले, क्या ले पापा, पर जा क्या है बर्गर ना, मन खाना नहीं खानी, इतने तो बहुत है कुछ, क्या है देखो तो इसमें चीज भी है ना, है खाओ ये देखो, ये भाई मस्त बर्गर, इसमें चीज वगैरह भी डाल के रखते हैं ना, और मेरे लिए आए स्पेशल मोमोज आज ना, नहीं पापा अरकी गया वो थी अरकी बाजार है, इन्होंने मेरे को पूछा कि क्या लेके आया, एक ग्रारो एक बाइट दे थोड़ी की, एक लेती हूँ मैंने, मैं खाती नहीं, बर्गर ऐसा नहीं है कि मैंने खाया नहीं है, चीज तो आई नहीं, तल रही हूँ ना, मैंने नहीं खाना बर्गर, तला हुआ है बर्गर, खा टेस्टी है। अभी पहुंचे थे, अभी कपड़े भी निकले उन्होंने चेंज, और यही लग गए नीचे खाने। बच्चे है नहीं घर पे, है नहीं मंदिर के पास गया है, पर सामान समून छोड़ने ना, कल वहाँ पे जागरण है और भट्टी भी है, तो हनी वहाँ पे गया सामान छोड़ने, शानू नीचे है, इतनी रहने देती हूँ खाना नहीं, अगर फिर से कहीं बीमार हो गई तो मिर्चों वाली खा लेती हूँ, पर उसमें भी खटाई होगी शायद, कोली कोली ऊपर ये या हो, मजे आएंगे मेरे फेवरेट मोमोज। राम तेरी गंगा मैं, ये बिलंग हुआ बिल्कुल कम है, फिर बोलेंगे फिर आ गया, मैं तो बड़ा डरती हूँ, फिर बोलेंगे फिर आ गया बुखार इसको,
और इसमें म्यूनीज वाली है, और ये है अपने मोमोज। जब कभी कोई कहीं जाता है ना, मैं तो अब जाती नहीं हूँ ना, मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है कहीं भी आना जाना, बहुत कम बहुत कम। वाओ वाओ, किस किसने खाने हैं दिन को घी शक्कर खाई, अभी मोमोज। मेरे दस्ताने इसमें गिर गया नीचे, आ जाओ आ जाओ। जोजू जोजू को दे देती हूँ एक, ये बॉयल ही तो होते हैं, इसमें क्या। जोजू आज बेटा मम्मा के पास आओ, आज मम्मा के पास, मम्मा देगी अपने बच्चे को मोमोज, खा लो खा लो, कुछ नहीं बढ़िया है, खा लो खा लो खा लो। खाने से चटनी ना मात्र ऐसा, ये सोचो अभी ताता नहीं होगा, मैं तो होता भाई।